नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हमने यूपीएससी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों और विभिन्न राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रमों पर केंद्रित वीडियो आपके लिए बनाए हैं। इस बार हम आपको बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के कबीर दास जी के 100 पदों को उनकी व्याख्याओं के लिए ले रहे हैं। कबीर दास जी भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। कबीर दास के 100 पदों की व्याख्या हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसके अलग अलग शीर्षक दिए हैं। पहला है गुरुदेव को अंग, तो इसके अंतर्गत जो कबीरदास के पद हैं हम उनकी व्याख्या आरंभ कर रहे हैं। पहला पद है सतगुरु सवान को सगा सोधी सई ना दाति हरिजु सवान को हितु हरिजन सई ना जाति। अब इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके अर्थों को हम जान लें तो व्याख्या बेहतर कर पाएंगे। पहला शब्द है सवान, इसका अर्थ होता है जैसा के समान। सोधी का अर्थ है तत्व चिंतन करने वाला, चिंतक अथवा ज्ञानी। अब इसका संदर्भ जान लेते हैं। यह पद कबीर दास जी के द्वारा सृजित और बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली से अवतरित किया गया है। अब आते हैं प्रसंग पर। भक्ति काल की निर्गुण धारा में गुरु का महत्व परमात्मा से भी अधिक माना गया है, क्योंकि वही परमात्मा को पाने का मार्ग बताता है। इस पद में भी गुरु की महिमा का ही चित्रण किया गया है। अब हम इस पद की व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में परमात्मा से ज़्यादा सगा अथवा हितैषी कोई दूसरा नहीं है। तब चिंतन करने वाले ज्ञानी से उसके जैसा कोई और दानी भी नहीं है, क्योंकि वह जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करता है वह उसे संसार के कल्याण के लिए बांट देता है, अपने पास नहीं रखता, इसलिए वह सबसे बड़ा दानी है। ईश्वर जैसा कल्याण करता कोई दूसरा भी नहीं है। और हरि का भक्त हो जाने से जो जाति बनती है उसके समान पवित्र और कोई दूसरी जाति इस संसार में नहीं होती। अब हम भाषा और काव्य सौंदर्य इस पद में कहाँ कहाँ पर है उसे भी देख लेते हैं। तो पहला है कि इस पद में उपमा और अनुप्रास अलंकार का वर्णन हुआ है। उपमा अलंकार इसलिए है क्योंकि जहाँ भी उपमेय और उपमान के बीच में तुलना अथवा समानता दिखाई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ तुलना की गई है, कई तुलनाएं की गई हैं।
और अनुप्रास में एक ही वर्ण बार बार आए तो हम देखते हैं कि हेतु, हरिजन, सोधि सही, सतगुरु समान, इस तरह लगातार जो है वो एक ही वर्ण से आरंभ होने वाले शब्द आए हैं। दूसरा है, पद में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। सधुक्कड़ी यानी जो साधु बोलते हैं, और साधु की भाषा एक प्रकार की भाषा नहीं होती, वह एक जगह पर रहता नहीं है, घूमता रहता है, अनेक प्रदेशों में, अनेक अंचलों में जाता है, इसलिए उसकी भाषा में उन प्रदेशों के, अंचलों के शब्द शामिल हो जाते हैं। तीसरा है, जाति व्यवस्था का इसमें निषेध किया गया है। ये कहा गया है कि जो ईश्वर की भक्ति करता है उसकी भक्त वाली जो जाति है वही उसमें सारे भक्त आ जाते हैं। कोई वर्ण व्यवस्था के अनुसार भक्त की जाति व्यवस्था नहीं होती। चौथा है, गुरु महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। और पांचवा है कि पद में गीति तत्व है। गीति तत्व अर्थात इसे गाया जा सकता है, इसकी लय, इसकी मात्राएं, इसकी तुक सभी इस तरह से हैं कि जिन्हें आसानी से आप गा सकते हैं। कबीर का दूसरा पद, बलिहारी गुरु आपणे ध्यव हाड़ो कै बार, जिन मानिस तै देवता करत न लागी बार। शब्दार्थ है, हाड़ो यानि हड्डी चर्म से निर्मित देह। संदर्भ पहले की तरह ही रहेगा, प्रसंग भी पहले की तरह रहेगा। व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हड्डी और चर्म से बने हुए शरीर में बार बार जन्म लेना पड़ता है, पर वह अपने जीवन का लक्ष्य फिर भी नहीं जान पाता। यह तो गुरु की ही कृपा है कि उन्होंने साधारण मनुष्य से देवता बना देने में पल भर की भी देर नहीं की, इसलिए मैं अपने इस शरीर को उनके ऊपर न्यौछावर करता हूँ। अब इस पद में जो काव्य सौंदर्य है उसे देख लेते हैं। पहला है कि इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, दूसरा सधुक्कड़ी भाषा है, तीसरा गुरु की महिमा का वर्णन है, चौथा बार बार जन्म और मृत्यु की धारणा और मोक्ष पाने की आकांक्षा का संकेत है, पांचवा गीति तत्व है। अब तीसरा पद देखते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। शब्दार्थ देखिए, अनंत याने अंतहीन, लोचन याने आँखें। संदर्भ प्रसंग वैसा ही होगा जो पहले था। व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महिमा का कोई और छोर नहीं है, उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किया है। ज्ञान योग प्रदान करके उन्होंने मेरी आँखों को खोल दिया है। अब मैं ज्ञान चक्षु पा गया हूँ और अब मैं इन ज्ञान चक्षुओं से परमात्मा के सत्य को देखने के योग्य हो गया हूँ। काव्य सौंदर्य देखिए, दोहा छंद है, सतगुरु की महिमा का वर्णन है, ज्ञान नेत्रों को प्राप्त करने की स्वीकृति है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ पर होता है जब पद में किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है, पुनरुक्ति पुनः धन उक्ति उसे बार बार लाया जाए। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अनंत शब्द है वो
कई बार आया है और इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार वहाँ होता है जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन हर बार उसका अर्थ बदल जाता है। तो ये तीसरा पद था। चौथा पद, राम नाम के पटंतरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुर संतोष ये होश रही मन माहि। इसके शब्दार्थ देखते हैं। पटंतरे यानि बदले में, संतोषी यानि संतुष्ट करना, और होश यानि मनोरथ, मनोकामना। संदर्भ प्रसंग वैसा ही रहेगा, व्याख्या करिए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझे राम नाम की जो अमूल्य निधि प्रदान की है उसके बदले में मैं उन्हें भला क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दूँ, मेरे मन में यह मनोरथ, ऐसी अभिलाषा, ऐसी आकांक्षा मन में ही रह गई है। काव्य सौंदर्य देखिए, सदुकली भाषा है, दोहा छंद है, गेयता का गुण है, इसे गाया जा सकता है, माधुर्य गुण है, इसमें मधुरता है और शांत रस है। भक्ति के सभी पदों में शांत रस और माधुर्य गुण सामान्यतः पाया जाता है। विशेष इसमें गुरु ज्ञान का बदला नहीं दिया जा सकता, इस बात को कबीरदास जी ने खास तौर पर अभिव्यक्त किया है। पांचवा पद, सतगुर के सद के करूं दिल अपनों साच, कलयुग हम स्यों लड़ पड़या मोहकम मेरा बाच। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह और शब्दार्थ कोई खास है नहीं, व्याख्या करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मैं ईश्वर पर अपने आप को न्यौछावर करता हूँ और अपने हृदय को साक्षी मानकर यह बता रहा हूँ कि इस कलयुगी संसार के सभी दुर्गुणों से मैं लड़ रहा हूँ। माया, मोह, मद, लोभ, अहंकार आदि को मैं परास्त करके ही रहूँगा, हराकर ही मानूँगा, क्योंकि मेरे गुरु का मुझे अब मार्गदर्शन प्राप्त हो गया है, इसलिए मैं इनसे हारने वाला नहीं हूँ, इन्हीं को हराने वाला हूँ। काव्य सौंदर्य, प्रतीकात्मकता का प्रयोग हुआ है इसमें, बहुत सी बातें प्रतीक के तौर पर कही गई हैं। सदुकली भाषा है, दोहा छंद है, इसमें प्रसाद गुण है और शांत रस है। छठवां पद देखते हैं, सतगुरु लई कमाण करे बाहण लागा तीर, एक जु बाह्या प्रीति सू भीतर रहया शरीर। शब्दार्थ हैं कमाण यानि धनुष, बाहण यानि बाण, और व्याख्या करते हैं। कबीर कहते हैं कि गुरु ने अपने हाथों में ज्ञान रूपी धनुष लेकर उससे उपदेश रूपी तीर मुझ पर चलाए। उन्होंने एक तीर अत्यंत प्रेम पूर्वक चलाया जो मेरे हृदय और मानस में ऐसा समा गया कि फिर शरीर के अंदर ही वह स्थायी रूप से बस गया। इसका तात्पर्य यह है कि परम तत्व का ज्ञान कबीर ने प्राप्त कर लिया। इसमें जो पदलालित्य है वह रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है,
और प्रतीकात्मकता है। इसके अलावा गीता का गुण और दोहा छंद सदुक्कड़ी भाषा तो सभी पदों में है। सातवां पद देखते हैं। सतगुरु सांचा सूरीवा सबद जुबाहया एक लागत ही में मिल गया पड़या कलेजे छेक। इसमें शब्दार्थ हैं सूरीवा यानि शूरमा योद्धा वीर, बाह्या यानि मारा और मैं से तात्पर्य आत्म। व्याख्या देखिए, कबीर कहते हैं कि गुरु ही सच्चे योद्धा और वीर हैं। जिस प्रकार कोई शूरमा युद्ध भूमि में अपने अचूक तीरों का प्रयोग करता है, उसी तरह मेरे गुरु ने अपने गुरु मंत्र का ऐसा बाण चलाया कि उसने मेरे अहम भाव को मार दिया। मेरा सर्वस्व परमात्मा में मिल गया है और हृदय में ज्ञान समा गया है। काव्य सौष्ठव, ये काव्य सौंदर्य पद लालित्य काव्य सौष्ठव एक ही अर्थ देने वाले अलग अलग पद हैं। तो इस पद में रूपक और उपमालंकार है, प्रतीकात्मकता है, शांत रस है और भाषा तथा गीता आदि सब में है, इसमें भी है। अब आठवां पद देखिए। सतगुरु मारिया बाण भरे धर कर सीधी बूठ अंग उघाड़े लागिया गई दवासू फूट। शब्दार्थ है मूठ का मतलब है मूठ सीधी करके। व्याख्या देखिए, गुरु ने अपने उपदेशों को ऐसा निशाना साध कर बाण की तरह मारा कि वह साधक के हृदय में जाकर लगा। उस बाण ने देह के समस्त रोगों को, रोग कौन से, माया मोह अहंकार लोभ मद आदि को पल भर में नष्ट कर दिया, उनका निदान कर दिया। उनके उपदेशों ने दवा के जैसे सार्थक प्रभाव दिखाया है। रोग को दूर करने के लिए हम औषधि लेते हैं, औषधि लेते ही रोग दूर हो जाता है, तो ऐसा ही गुरु ने भी औषधि की तरह हमारे ऊपर प्रयोग किया है। पद सौंदर्य सांग रूपक अलंकार है। सांग रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ बहाने से रूपक अलंकार का प्रयोग किया जा रहा हो और रूपक के चार अंगों में से कोई अंग ना हो, अनुपस्थित हो। प्रतीकात्मकता है, शांत रस है। हंसई न बोलई उनमनी चंचल मेलिया मारी कहें कबीर भीतर भिद्या सतगुर के हथियारी। मेलिया यानि वृत्तियां, उनमनी यानि असमंजस में पड़ा हुआ भक्त। व्याख्या है, परमात्मा के वियोग में पड़ी हुई आत्मा का स्वामी मनुष्य सदैव अनमना सा रहता है। सच्चा गुरु अपने ज्ञान और उपदेशों के बाण मारकर उसकी चंचल वृत्तियों को नष्ट कर देता है, मिटा देता है। सांसारिक भोग विलास से उसे दूर कर देता है। गुरु का वह ज्ञान शस्त्र ही अब आत्मा में जाकर उससे मिल गया है, अर्थात साधक को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। परमात्मा को पाने का मार्ग उसने पा लिया है।
पद सौंदर्य, यहाँ वियोग श्रृंगार रस और शांत रस दोनों हैं। वियोग श्रृंगार इसलिए है क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में वियोग काल चल रहा है। दूसरा, वियोगी की दशा का चित्रण किया गया है। उपालंकार और रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। बोलचाल की जनभाषा भी इसमें हमको दिखाई देती है। अब दसवां पद है, गूंगा डूबा बावला बहरा डूबा कान पाऊ थे पंगुल भया सतगुर मार्या बाण। बावला यानी अपनी धुन में डूबा हुआ धुनी आदमी, पंगुल यानी अपाहिज। व्याख्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने ज्ञान का ऐसा बाण चलाया कि अब मैं अपनी परमात्मा के प्रति प्रीति में ही रमा हुआ हूँ, उसी में खोया रहता हूँ। मेरी वाणी गूंगी हो गई है, अर्थात अब मैं व्यर्थ की बातें नहीं करता। कान बहरे हो गए हैं, अर्थात सांसारिक बातों को मैं सुनता ही नहीं। पैर अपाहिज हो गए हैं, अर्थात अब मैं माया मोह मद लोभ आदि की ओर नहीं भागता हूँ। सच्चे भक्त की ऐसी ही दशा होती है कि वह पूरी तरह से आत्मनिष्ठ और भक्तिनिष्ठ हो जाता है। काव्य सौष्ठव देखते हैं। पहला इसमें उपक उपमा और रूपक अलंकार हैं। भक्त की सर्वोच्च दशा का चित्रण किया गया है, शांत रस है। सदुक्कड़ी भाषा और गीति तत्व पहले की तरह इस पद में भी है।